जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एट होम में आपका स्वागत है। आज हम राम सिंह यादव बुक का मैथमेटिक्स का सेट 10 करेंगे। इससे पहले मैंने 9 वीडियो और बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। इस वीडियो में हम लगभग 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आप एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। सेट नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात करो। एक्स के क्यूब माइनस में 27 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मैथड है। पहला ये कि हम इसको फॉर्मूले में डिवाइड कर ले, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि x के क्यूब दे रखा है, x के क्यूब माइनस में 27 दे रखा है। जो x के क्यूब है, x के क्यूब माइनस में 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो मैं इसको 3 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या ये a की क्यूब माइनस में b की क्यूब फॉर्मूला बन जाएगा। तो a की क्यूब माइनस में b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही होगा। जैसे कि ए माइनस बी का हमने वैल्यू पुट कर दी, ए माइनस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 9, हमने ये वैल्यू पुट कर दी और यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम अब करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में जो आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा और उसको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने में जो आपका आंसर आएगा वो अगर आपके क्वेश्चन से मैच होता है तो वही आपका आंसर होगा। तो एक्स की क्यूब प्लस 9x प्लस में 3x² माइनस में 3x² और माइनस में 27 माइनस में 9x। हमने क्या करा, जो यहाँ ये वैल्यू था इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अगर एक्स तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9x। सबको ऐसे प्रोसेस करा है, फिर हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करा है पूरा, तो 3² हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x प्लस में 3x² माइनस में 3x² माइनस 27 माइनस में 9x। अब क्या होगा, माइनस 9 से ये प्लस का 9 कट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस में 3x² माइनस में 27। ये माइनस का ये माइनस का, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बचता है 3x माइनस में 27, ये हमारे आंसर आता है जो कि हमारा मैच हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। आपको दोबारा समझा रहा हूँ, जो हमारा ये वैल्यू है x है, x को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ गई। हम फिर क्या करेंगे, 3 को इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू, और जो वैल्यू कट रही है हम काट देंगे और सॉल्व कर देंगे। और जो माइनस का ये 3x² माइनस 3x² दोनों क्या होगा, माइनस हो जाएंगे तो कट जाएगा वैल्यू। तो x² माइनस 27 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो हमारा क्या दे रखा है, 7/24 दे रखा है पूरा टोटल, जिसका वितरकों का योग दे रखा है। और इक्वल दे रखा है हमको 1/6, मतलब कि 6 हमारे दे रखा है एक संख्या, तो हमने 1/6 लिख लिया, प्लस में 1/x मान लिया हमने दूसरी संख्या को मान लिया। ठीक है, तो इसका जो वाला 1/6 है ये बराबर के इस तरफ चल जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x बराबर 7/24 माइनस में 1/6 यहाँ पर बचेगा। अब 1/x बराबर में अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हमारा 24 आएगा। फिर क्या करेंगे, 24 को इससे हम डिवाइड करते हैं और 24 को 24 डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, फिर एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया हमारा। ठीक है, फिर इसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 को 24 से डिवाइड करेंगे, आप 6 से 12 24 4 आ गया, फिर 4 क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और साइन का साइन 4, 7 में 4 आ गया 3 आ गया, और ये नीचे 24। ठीक है, और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/8। तो हमारा x का आ गया, x आके हमारा वैल्यू 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें क्या करना है, 26 का स्क्वायर निकालना है। इसकी छोटी छोटी सी ट्रिक होती है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पहले 2 × 6 × 2। ठीक है, 2, 6 और 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 × 12 = 24। ठीक है, तो हमारा 24 ही आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 = 4 या फिर 4, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू छोड़कर और 24 लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे, 6 × 4 = 7 और 6, तो आपको क्या आ जाएगा स्क्वायर, 676। या फिर दूसरे आपको ये भी कर सकते हो, आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब भी उसका ऐसे आएगा।
बेटर है आप इस तरीके से करो, चाहे कितना भी लंबा स्क्वायर क्यों ना हो, इस मेथड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपए में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो मतलब एक साइकिल है, उसको हमने 7,840 रुपए में खरीदा और बेचा कितना, 7% लाभ पर, तो क्या होगा, 107 होगा, 7% लाभ हो गया तो 107 हो जाएगा, और नीचे में 100, 0 0 0 से नहीं काटेंगे, पहले इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 83, 88 और 80 आ जाएगा, इंटू में 100। अब क्या करेंगे, दो जीरो है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 8388.80 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य ये था। क्वेश्चन नंबर फाइव, डेविड ने एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया, उसने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा, 3 साल के बाद उसे कितना ब्याज की राशि देनी पड़ी? तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, प्राइस इंटू में रेट इंटू में टाइम इक्वल में 100, और बराबर हमारा ब्याज निकलता है। तो कुछ नहीं करना, हमारा प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ब्याज दे रखा है हमारा, सॉरी प्राइस दे रखा है, हमारा रेट कितना दे रखा है, 12%, और टाइम कितना है, 3 वर्ष के लिए, और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, अब 60 6 18, 180 इंटू में 12, फिर आपका आ जाएगा 2160 रुपये उसको ब्याज देना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 5/7 + 13/21 + 3/4 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू को पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली वैल्यू को हम एलसीएम निकालते हैं तो 84 आता है इसका एलसीएम, फिर हम क्या करते हैं, 7 को इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में आपका 12 आ गया, और 12 को हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 25 60 हो जाएगा, साइन कौन सा है यहाँ पर, प्लस का प्लस लग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 21 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करने में आपका 4 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 आ जाएगा आपका प्लस, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर उसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम प्लस करना है, 175 आपका प्लस करने पर आ जाएगा, और नीचे में 84 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन, 25% को भिन्न बदलना है, मतलब कि हमको अंश बटे पी बटा क्यू की फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 25% है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो नीचे हम 100 लगा देंगे और एक काट देंगे इसको, 1/4, ये पी बटा क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर एट, क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, मतलब घनाभ का इसमें आयतन पूछा है, तो आयतन एल गुड़े बी गुड़े में एच होता है इसका आयतन। क्वेश्चन नंबर नाइन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कोस स्क्वायर ए बराबर में 2 है, तो क्या होगा इसके वैल्यू, तो इसका आंसर होगा 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर होता है हमारा 1, ठीक है, हमारा ये होता है 1, तो हमने इसकी वैल्यू भी 1 और नीचे में 2 है तो 2 लिख दिया, तो हमारा फ्रेंड्स 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए दे रखा है 30 डिग्री का, बी दे रखा है 90 डिग्री का, तो सी हमको ज्ञात करना है, मान लो एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी, हमको एक ए दे रखा है 30 डिग्री का और बी दे रखा है हमको 90 डिग्री का, तो हमको तीसरी भुजा फाइंड करनी है, तो आपको पता होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो हमको एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री प्लस बी दे रखा है 90 डिग्री और हमारा एंगल सी दे रखा तो 180 हो जाएगा, और एंगल सी निकालने के लिए 180 माइनस में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 60, तो हमारा एंगल हमारा सी सी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, 10/45 का कितना मान होता है, 10/45 की मान होता है 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या होती क्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से और खुद से डिवाइड हो और किसी से ना हो, तो सबसे छोटी संख्या है 2, जो कि खुद से होगी और एक से भी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, 2/3 का दशमलव रूप में करना, मतलब इसको सोल्व करना है, तो हम करेंगे इसको 2 3, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो 18 आता है 6 बार में, और यहाँ पर 2 हो गया, फिर से 0, फिर 18, फिर 6, तो इसका 0.66 आ जाएगा, या फिर हम इसको 0.6 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इसमें बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 14,
रमेश ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदकर 250 रुपए में बेच दिया, ठीक है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 500 रुपए और सेलिंग प्राइस क्या है इसका 250 रुपए, तो इसके हानि कितना होगा, इसका हानि ज्ञात करने के लिए सीपी में से हम माइनस कर देंगे एसपी, तो 500 में से हम 250 माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा हमारा, तो 250 क्या हुआ इसका हानि हुआ हमारा, ठीक है। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर में हानि इंटू में 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हानि हमारा कितना है 250 इंटू में 100 और क्रय मूल्य क्या है हमारा 500 तो दो बार में कट जाएगा और 50% आपका आंसर आ जाएगा, तो 50% उसको हानि हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 21, तो हम 8 × 21 करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी पूरी 168 आ गया। तो हम अब आगे क्या दे रखा है, इन सभी संख्याओं को 8 से गुणा करते हैं, जो हमारा ये 1 168 आया इसको हम क्या करते हैं 8 से गुणा करते हैं तो 1344 आता है हमारा, ठीक है। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, जो हमारा ये प्राप्त संख्या हुई है, ये हमारी संख्या प्राप्त हुई है, इसका एवरेज निकालना है। हमारी संख्या क्या है टोटल 8 दे रखी है, 8 से सो काटेंगे तो हमारा 168 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन कवर करा, आने वाले वीडियो में हम लगभग फिर से 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।